खबर बढ़वा से। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने पर किसानों को 50 रुपये ज्यादा मिलेंगे दाम। इस बार सरकार 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं खरीदेगी, लेकिन किसानों को ये जरूर ध्यान रखना होगा कि यदि सरकार को गेहूं विक्रय करना है तो पंजीयन करवाना पड़ेगा। लेकिन सहकारिता कर्मचारी संघ के अनिश्चितकाल के लिए कलम बंद हड़ताल से किसान पंजीयन के लिए परेशान हो रहे। हड़ताल के कारण समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं चने का पंजीयन होना बंद हो गया। इसके अलावा किसानों को सोसाइटी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं, जिसमें खाद बीज भी नहीं मिल पा रहा। बड़वा ब्लॉक में समर्थन मूल्य के पंजीयन के लिए 13 केंद्र बनाए गए, लेकिन सेवा सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों के हड़ताल के कारण पंजीयन का काम बंद है। मात्र बड़वा सनावत मार्केटिंग सोसाइटी में पंजीयन का काम हो रहा। भूस्वामी किसान पंजीयन केंद्रों के अतिरिक्त कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और गिरदावरी ऐप के माध्यम से भी पंजीयन किसान करा सकते। अभी तक ब्लॉक में 3500 किसानों ने पंजीयन करवाया है। बड़वा सनावत में अभी तक लगभग 4500 पंजीयन किए जा चुके हैं, और वर्तमान में जो सहकारी सोसाइटियों की जो हड़ताल चल रही है, उसके अलावा जो है तो विपणन संघ की जो सोसाइटियां हैं, हमारे यहाँ बड़वा में एक सेंटर और सनावत में एक सेंटर चालू है। इसके अलावा किसानों को पंजीयन करने के लिए किसान गिरदावरी ऐप और जो है तो किसान की वेबसाइट पे वो कर सकते हैं पंजीयन। और कल पीएस महोदय का पत्र आया है कि एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी पंजीयन को चालू कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वा जिला खरगोन से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।